वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज सवाईमाधोपुर से, यहां पर 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर एवन टीवी पे आप देख रहे हैं। सवाईमाधोपुर में पहली बार कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए। अभी तक ये जिला राजस्थान में जो 25 जिले हैं उनसे अलग था, सुरक्षित था, लेकिन अब 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज सवाईमाधोपुर से मिले। गंगापुर सिटी से 2 मरीज, 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज एक साथ सवाईमाधोपुर में पाए गए। प्रदेश में 52 से 2 कोरोना के पॉजिटिव और साथ ही में गंगापुर सिटी से 2। सवाईमाधोपुर में पहली बार कोरोना के पॉजिटिव मरीज यहां पर पाए गए। 4 कुल मिलाकर के कोरोना के पॉजिटिव सवाईमाधोपुर से आज सामने आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश में सवाईमाधोपुर वो एक ऐसा क्षेत्र था जो इन सभी चीजों से दूर था और सुरक्षित था। लेकिन 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज अब यहां से भी सामने आ गए। गंगापुर सिटी से 2 और बामनवास से 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज बताए जा रहे हैं। पहली दफा ये हुआ है जब सवाईमाधोपुर से 4 कोरोना के पॉजिटिव और कोई भी कोरोना का मरीज यहां पर पाया गया है। गंगापुर सिटी से 2 कोरोना के पॉजिटिव और साथ ही में बामनवास जो क्षेत्र है सवाईमाधोपुर का, वहां से 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की आज पुष्टि हो गई है। कुल मिला के 4 मरीज हैं बताए जा रहे हैं सवाईमाधोपुर से मिले हैं। पहली बार 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज एक साथ सवाईमाधोपुर से पाए गए। सवाईमाधोपुर में पहली बार कोरोना का केस। अभी तक सुरक्षित था सवाईमाधोपुर का जो इलाका था, जो क्षेत्र था, कोरोना के संकट से अछूता था ये इलाका, लेकिन एक ही साथ में 4 मरीज यहां से पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश के सवाईमाधोपुर से 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज, गंगापुर सिटी से 2 मरीज और बामनवास क्षेत्र से 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। कुल मिला के 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सवाईमाधोपुर से, पुष्टि आज इनकी हुई है। और इसी के साथ में भीलवाड़ा में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। 10 दिन के बाद में कोरोना का एक और पॉजिटिव केस यहां पर सामने आया। भीलवाड़ा को कुछ ही दिन पहले, आपको बता दें कि जोधपुर से ये जो व्यक्ति है वो भीलवाड़ा पहुंचा। अपने माता पिता से बताया जा रहा है कि मिलने के लिए युवक जोधपुर से भीलवाड़ा पहुंचा है और 14 अप्रैल को इसके सैंपल्स को जयपुर में भिजवाया गया था टेस्ट के लिए और रिपोर्ट के लिए, और जिले की सीमाओं पर रोक करके उसकी जाँच की गई। आज ही उस व्यक्ति की कोरोना की जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो आ गई है। 29 आंकड़ा हो गया है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा को कल ही यहां पर कोरोना मुक्त क्षेत्र घोषित किया जो किया गया था, लेकिन आज एक और यहां पर केस सामने आ गया है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवन संवाददाता योगेश शर्मा मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, कल ही तो भीलवाड़ा को यहां पर कोरोना फ्री जगह यहां पर घोषित किया गया था, ऐसे में एक और केस यहां पर मिल चुका है, क्या अपडेट है आपके पास? भीलवाड़ा को कल ही कलेक्टर ने, यहाँ जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने कोरोना मुक्त किया था, लेकिन आज फिर एक युवक कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। यह युवक कुछ ही दिन पहले जोधपुर से अपने माँ बाप से मिलने भीलवाड़ा आया था। उसको भीलवाड़ा की सीमा पे रोक के ही सैंपल लिया गया था। इसकी जांच की गई थी 14 अप्रैल को। जांच रिपोर्ट आज ही आई है, उसमें ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इन्हें होम क्वारंटाइन किया हुआ था, लेकिन आज इन्हें आइसोलेशन वार्ड में ले लिया है। इनके माता पिता और परिजन जितने भी हैं सबको हॉस्पिटल ले जाके सैंपलिंग की जा रही है। उस एरिया में भी जिन जिन से ये व्यक्ति मिले हैं उन सभी को होम क्वारंटाइन पहले ही किया हुआ था और उनके सबके सैंपलिंग ली जा रही है, स्क्रीनिंग की जा रही है। जयदी योगेश, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी पहले तक सारे मरीज जो थे भीलवाड़ा से वो अपने अपने घर डिस्चार्ज होकर जा भी चुके हैं, ऐसे में एक केस निकल कर सामने आया, तो फिलहाल यही वो एक एक्टिव केस है जो भीलवाड़ा में सामने है या फिर और भी लोगों की अभी तक सैंपल्स भेज दिए गए हैं यहाँ पर जांच के लिए? भीलवाड़ा में अब तक 24 लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव है उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। 2 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है और 2 लोगों की तीसरी रिपोर्ट आने बाकी है। 2 रिपोर्टों में वो नेगेटिव आ चुके हैं। भीलवाड़ा में केवल आइसोलेशन वार्ड में 2 ही पेशेंट है जो तीसरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। भीलवाड़ा में लगभग 5 दिन से 1300 के सैंपल के केस जयपुर भेजे गए थे जो पेंडिंग थे, उनकी रिपोर्ट आ जाई है, उसमें ये एक ही कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। जयती जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश, भीलवाड़ा से आपको खबर बता रहे हैं। 10 दिन के बाद में कोरोना का एक और पॉजिटिव मरीज यहां पर सामने आया।
और भरतपुर में भी लगातार कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए और 9 पॉजिटिव केस यहां पर सामने आए। भरतपुर में भी अब कोरोना ने अपने पैर पसारना काफी हद तक शुरू कर दिया है। भरतपुर का बयाना है जो इलाका वहां से सभी 9 केसेस पाए गए। भरतपुर में आज भी 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता राजेंद्र शर्मा मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, काफी ज्यादा संकट भी अब है भरतपुर के ऊपर जो मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या अपडेट है, कितने केसेस आज सुबह तक सामने आए? मैं बताना चाहूंगा कि भरतपुर के जो कोरोना को लेकर के जो हालात है वो चिंताजनक होते जा रहे हैं। रोजाना कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से स्थिति भयावह होती जा रही है। आज 24 घंटे के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव जो केस आए हैं वो 58 केसेज आए हैं। लुधियाना के ही 58 केस हैं और आज अभी 12 बजे बाद जो मेडिकल का बुलेटिन जारी हुआ है उसमें 9 केसेज आए हैं जिनमें से 8, हालांकि 9 केसेज लुधियाना के हैं जिसमें से 8 तो कसाईपाड़ा के हैं, पहले से कर्फ्यू लगा हुआ है। 1 केसेज भवनपुरा पार्क का ही है जो कि लुधियाना से जुड़ा हुआ है। लुधियाना में अब तक जो पॉजिटिव केसेज मिले हैं उनकी संख्या 95 हो रही है। वैसे भरपूर जिले में जो अब तक केस मिले हैं वो 102 केसेज हो चुके हैं और भरतपुर शहर में भी एक पॉजिटिव केस मिले थे, यहाँ भी कर्फ्यू लगा हुआ है, लुधियाना में भी कर्फ्यू लगा हुआ है। इस के हालात का है आज जो ये 9 केसेज जो आए हैं इनके सैंपल 10 अप्रैल को यहाँ से भेजे गए थे जांच के लिए, इनकी रिपोर्ट आज मिली है दोपहर को, तो उसमें ये 9 केसेज आज पॉजिटिव आए हैं। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि आज राज्य सरकार की ओर से मतलब जब भरतपुर जिले में केसेज बढ़ रहे हैं उस हालातों को देखने के लिए, उसको थोड़ा नियंत्रण करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए सीनियर IAS ऑफिसर हैं भास्कर ए सावंत, उनको भरतपुर भेजा है। वो आज भरतपुर आए और इसे भी आगे मॉनिटरिंग करके इसको करेंगे जी। और हालात पर काबू रखने की कोशिश करेंगे। आज मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि भरतपुर में भी कर्फ्यू लगाया उसको लेकर के जो सब्जी मंडी का क्षेत्र है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है। उन व्यापारियों को भी आज फल और सब्जी के थोक विक्रेता है उन्होंने भी आज अपना आपस में चर्चा की थी कि इनको 4-5 दिन सब्जी नहीं ले, क्योंकि सब्जी जो लेके आ रहे हैं ये किसान और जो व्यापारी वर्ग के लोग ये ज्यादातर आगरा फतेहपुर सीकरी या ब्याना या उबेर या कटुकस्ते या पुराना देश है ज्यादा है उस क्षेत्र से आ रहे हैं और जहाँ सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो रही थी, हो सकता है कि ऐसा नहीं हो कि जहाँ हालात और बढ़ जाए, तो इसके लिए हालांकि उन्होंने विचार किया था, लेकिन आज जब इस तरह का हुआ तो लोगों को भीड़ लग गई और सब्जी लेने के लिए पहुंच गए। वहाँ SP हैदर अली जैदी को भी वहाँ जाना पड़ा जी। पुलिस अधिकारी वहाँ पहुंचे, काफी समझाइश भी की है। आज जिला कलेक्टर नथमल डेल और हैदर अली जैदी ने भी ब्याना क्षेत्र का दौरा किया है और भरतपुर में कर्फ्यू शहर में भी अभी नगर क्षेत्र में जारी है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।